चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं इस वक्त की। अगली खबर, उत्तराखंड पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला, और इस मामले में 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। नई धारा बढ़ने से अधिवक्ताओं ने जोर नहीं दिया है। पेपर लीक मामले में आपराधिक षड्यंत्र और विश्वास का आपराधिक हनन जोड़ी गई थी। नियम अनुसार आरोपियों को इन धाराओं में भी जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे, यूके के एसएससी पेपर लीक मामला और इस मामले से जुड़ी खबर में 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। नई धारा बढ़ने से अधिवक्ताओं ने जोर नहीं दिया है। पेपर लीक जो मामला था, पेपर लीक मामले में आपराधिक षड्यंत्र और विश्वास का आपराधिक हनन जोड़ा गया। नियम अनुसार आरोपियों को इन धाराओं में जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। वहां खारिज होने की दशा में ही सत्र न्यायालय जमानत अर्जी पर विचार कर सकता है। ये नियम के अनुसार इस प्रकार की जो है पूरी प्रोसेस है। लिहाजा आरोपियों के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्रों पर बल नहीं दिया है और अर्जी खारिज हो गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके एसएससी मामला, और ये मामला लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है पिछले कई दिनों से। इस मामले में अब 7 आरोपियों की जो जमानत अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है।